कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रजासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम अथ सप्तश्लोक दुर्गा ओम ज्ञाननामपि जेतांसि देवी भगवती हिसाब बलादा कृषि महाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि वित्तिमशेष जंतु स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभाम ददासि दारिद्र्य दुख वैहारिणिका त्वदन्य सर्वोपकार करणाय सदा द्रचिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते रोगान शेषान भंसि तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान अभिशान त्वमाशिता नैपन्नराण त्वमाशिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। ओम देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातृ जगतो अखिलेश्वर प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराण श्री रेणुका देवी माता की जय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम श्रीमद्भागवतम नाम पुराण लोक विश्रुतम शृणुया श्रद्धया युक्त मम संतोष कारणम नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिला ध्यानम फलम श्लोकादम श्लोकवादम नित्यम भागवत उद्भव पठते शृणुयाद यस्तु गोशास्त्र फलम लभेत य पठेत प्रतो नित्यम श्लोकम भागवतम श्रुत अष्टादश पुराणानां फलम आपनोति मानव नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णव कलिपाया नरास्ते वै यर्चयन्ति सदा मम वैष्णवानां तु शास्त्राणि यर्चयन्ति गृहे नर सर्वपाप निर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता यर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति बलन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहं यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुदकं यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते यर्चयन्ति सदा गृहे शास्त्रं भागवतं नरः प्रणीतास्तैस्तविबुधा यावदा भूतसंप्लवं श्लोकादं श्लोकपादं वरं भागवतं गृहे षट्शोधसहस्रैश्च किमन्ये शास्त्रसङ्ग्रहे न यशतिश्रुते शास्त्रं गृहे भागवतम कलो न तस्य पुनरावृत्तिर्यामि पाशात् कदाचन कथम स वैष्णवो यः शास्त्रं भागवतम कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य सोपचारादिको एषः सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्रसङ्ग्रहः वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थं मम पुत्रक यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदश हि तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञः सप्तपुरी नित्यं पुण्यः सर्वे शिलोचयः श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशो धर्म जयाथिना पापक्षयार्थं लोकेश मोक्षार्थं धर्म बुद्धिना श्रीमद्भागवतम पुण्य मायुरारोग्य पुष्टि पठना श्रवणा सर्पाप ही प्रमुच्यते न श्रृण्वन्ति न श्रीहृष्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदायम न गच्छति से यदा मर्त्य श्रोतुम भागवतम श्रुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्थं पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसामि अहं सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेद् गच्छामि तत्र तत्र अहं तु गौर्यथा श्रुतवत्सला मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतं मत्कथा प्रीतमनसं नाम त्यक्ष्यामि तं नरं श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते ह्यः समासामसरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रग श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादन हि समानये ततं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्मम अतुला दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं ह्यः पदे पदे स्वमेधस्य फलं प्राप्नोति संशयम् उत्थाय प्रणमेद् यो वै श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्रां सदा दारं भक्तिं च प्रदाम्यहं महाराजोपचारयिष्ठु श्रीमद्भागवतं श्रुता शृण्वन्ति ये नरः भक्त्या तेषां वशो भवाम्यहं मम वत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतं परम श्रीवन्ति ये नरा अभक्त्या मम प्रीत्ये च सुब्रत वस्त्रालङ्करण हि पुष्पुष्पे धूपदीपोपहार गहे वशीकृतो ह्यहं तैश्च सत्स्त्रिया सत्पति यथा। ओम तस्य ओम नमो वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ प्रथमोध्याय जन्मादेशी यतो नयादि तरतश्चाथे सवैगस्वरात् तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुयन्ति यत् सूरयः तेजो बारिमिदं यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मशरणां सदां वेद्यं वास्तवं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्बा परैरीश्वरः सद्यो हृदि वरुध्यते तु किटिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्
सुखम सुख मुखादमृत जवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावकः नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय शतम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सोमा सतत एकदा तु मुनय प्रातर्भूत हुतायनय सत्कृतम सूतमय सीनम प्रचुरिदमादरा ऋषय उच हो त्वया खलु पुराणानि सेत्यास निचान आख्यातानि विधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि तु यानि वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण अन्य च मुनय सूत परावर विदो विदोह व्यथत्वं सौम्य तत् सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रह ब्रूयो स्नेहस्य शिष्यस्य गुरव भूयम पिता तत् तत्रांजसा आयुष्मद्भवताय विनिश्चितं पुंसामि एकांततः श्रेयस्तन्न संशितुम रहसि प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मन्दासुमन्दमतयो मन्दभाग्या हिवदृतः भूरिणि भूरिकर्माणि श्रुतव्यानि विभागशः अतः साधुत्रयत्साधुं समुद्रीत्य मनीषया ब्रूहिण सदा नानवीनात्मा सम्प्रसीदति श्रुतजाना शिवग्रन्थे भगवान् सात्वाम्पति देवक्यां वसुदे अवश्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानां अवशेङ्गानि वर्णितु नुवर्णितु यशवतारो हूतानं क्षमाय च भवाय च आपन्न संस्थितिं घोरं यन्नाम विवशोगिणं ततः सद्यो विमुच्यते यद्वेति स्वयं भयं यथा संश्रयः सूतं मुनयः प्रशमायनः सद्य पुनन्ति स्पृशः स्वधन्यापोनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यस्वकेटकर्मणः श्रुतिकामोन श्रीनिवादेश कलिमलापहं तस्य कर्माणि दाराणि परिगीतानि सूरिभिः पूर्ण सदा नानं लीलया दधता कला अथाख्याय हरिर्धीमन्नवतार कथा शुभा लीलाभिज ततः स्वैरम् ईश्वरस्य आत्माया वयं तु न पितृभ्याम उत्तम श्लोकविक्रमे यशृणुताम्रसज्ञानं स्वादु साधु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सारामेण केशव अतिमल्त्यानि भगवान् गुढ कपटमानुष कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् प्रहिणे वयम् आशीनादीर्षत्रेण कथायं सक्षण हरे त्वं नः सन्दर्शितो याद्धात्रा दुस्तरं निस्थितेर सतां कलिं सत्वरं पुंसां कर्णधारैवाणुं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्वर्मणि स्वं काशा मधुनोपेति धर्मकं शरणं गत इति श्रीमद्वात् महाप्राणिपारं हरदिध्यायाशोवाच इति सम्प्रश्नभृष्टोऽपि प्राणं रोम हर्षणीपद्पूज्यपदस्तेषां प्रवक्तुर्मुखचक्रमे श्रुतवाच यं प्रवृदन्तमनुपेतमभेदकृतं द्वैपायनो विरहकातरा जुहावपुत्री चितन्मयतया तरवो विनयदुस्तं सर्वभूतहृदयं मणिमान् तोऽस्मि यश्वानुवामखिलसुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्षतां तमोन्नं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं यासशूनमुपयामि गुरुं मनेना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुनयः साधुपीष्टोऽहं भगवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतशिक्षणसम्प्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षये अहेतुकपतिहता ये आत्मा सम्प्रसीदति वासुदेवी भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयति अशुवैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकं धर्म सुनुषिता पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादये यदिरतिं श्रम एव हि केवलं धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभः ये स्मृतः कामस्य निन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेतयावन्तः जीवस्य तत् जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्मभिः वदन्ति तत्तु तविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते तच्छ्रद्धानामुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या सुतगृहीतया अथ पुम्बेर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमं विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वाम्पतिः श्रोतव्यकृतितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च अनित्यदा यदनुध्यासिना युक्तः कर्मग्रन्थे निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं शुश्रूषो यशोदानस्य वासुदेव कथारुचिः शर्मत्सेवया विग्रह पुण्यतीर्थनिसेवनात् शृणुतां शोकतां कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तनः यद्यन्तहस्थो ह्यवद्राणि विधुनोति सुरीसतां नशप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके तदारजस्तमो भावः कामलोभादयसे चेतयते रणाविधं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनुषो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानमुक्तसङ्गस्य जायते विदते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वैकवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वास्तेऽपि भगवति कुर्व त्म प्रसादन शतम दस्तम प्रकृतिर्गुणास्तुक्त परपुरुष एक धत्ते स्थितियादय हरिबिरिंची हरेति संज्ञा श्रेयांसी त्र खलु सत्तु तनोर्णामसी हो पार्थिवा दारुणो धूमस्तस्माद्निस्त्रयीमय तमसस्तु रजस्तस्मा सत्म यद ब्रह्मदर्शन भेजरे मुनयोथाग्रे भगवंत मदोक्षज सत्म विशुद्ध क्षेमाय कल्पन्ते यनता निह मुमुक्षव घोर रूपान हित्वा भूतपति न नारायण कला शांता भजंती यन सु यव रस्तम प्रकृतयः श्रमशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजयसादि निःश्रीश्वर्य प्रजयसवः वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानं वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गतिः स ए वेदं ससज्जागरी भगवानात्मा या सत्सद्रूपया चासु गुणमया गुणोभिः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट अवाति विज्ञानेन विजृम्भितः
यथा यही तो बने दारु स्वेक स्वयोनिषु नानी विश्वात्मा भूतेषु तथा पुमान अशोम गुण मयर भावर भूत सूक्ष्मेन्द्रिय आत्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंते भूतेषु तदगुणा भावयतेष सत्वेन लोकान्वय लोक भावन लीलावतार अनुरतो देवतीरे नरादिषु इति श्रीमद्वादि महाप्राणि पारमहंस संहितायां प्रथम खंडे विषय व्याख्यान तृतीय अध्याय श्री हरये नमः श्रीरेनादेव्यै नमः। अथ तृतीयोऽध्याय सुतोवाच जगृहे पौरुषं रूप भगवान् मोहदादिभिः सम्भूतं षोडशकलामादौ सम्भूतं षोडशकलामादौ लोकस्य शिष्याय यस्यां वशि शयानसि योगिनीनां वितन्वतः नाभिहृदां बुजादासीत् ब्रह्माभि सुस्थितां पतिः यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोकविस्तर तद्वि भगवतो रूपं विशुद्धं या शतमूर्जितं पश्यन्त्यदो रूपमदव्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनाशिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसदयतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यां सांसेन सिज्यन्ते देवतिर्यङ्गरायाः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्वमासीत् अस्तारभुशरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यम् अखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य प्रसादलगतां महिमूर्धरीष्यन्नुपादत यज्ञेश शौकरं वपुः तृतीयमिषि सर्गं च देवर्षि त्वमुपेत्यशः तंत्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुरीय धर्मकला सर्गे नरनारायणाभिषि भूत्वात्मो पशमो मेत मकरो दुसरं तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेश कालविप्लुतं पूर्वाचा सुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयं षष्ठयात्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो ननु न श्रूयया अन्विषितिमलर्काय प्रह्लादा दिव्य उक्ति उचिवान् ततः सप्तमा आकुत्यां रुचिर्यज्ञो भेदायत सयाम देहि सुरगणे रपात् स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाविर्जा गुरुक्रम दर्शयन ब्रह्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृत ऋषिभिर्याचित भेदे नवम पार्थिव बभो दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्ते नायं स उषतम रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषुदशं प्लवेन्नाभ्यारोप्य महिमयामपाद्वैव स्वतं मनो सुरासुराणाम् उदधिं मत्तां मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विरुद्धानन्तरं द्वादशं त्रयोदशमिव च अपाययत् सुरानन्यन् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्र दैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैर्वक्ष शेरकां कटकृद्यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादीतेषु स्त्रीविष्टवम् अवतारे षोडशमि पश्यन् ब्रह्मद्रुहो निर्वान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रामकरोन्महे सततः सप्तदशे जात सत्यवत्यां पराशराच्चक्रे वीरतरः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेव त्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनी चक्रे वीर्याणितः परम् एकोनविंशे विंशतिमे विष्णु शुक्रा जन्मने रामकृष्णाभिति भूवो भगवान् हरदभरं तत कलौ सम्प्रभृत्येव सम्मोहाय सुरद्विषां बुधो नाम्ना जनसुतः किकटेषु भविष्यति अथा युवसन्ध्यायं दशप्राय सुरजनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवतारा हे सङ्ख्येया हरे हे सत्त्वनिधेर्द्विजः यथा विदासिनः कुल्या सरसस्युसहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा एते चांसकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृजयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्ग्रहन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते एतद् रूपं भगवतो ह्यभुपश्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नवशी मेघौः रेणुर्वा पार्थिव निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः अतः परं सद यदव्यक्तमव्यूढगुण व्यूहितम् अदृष्टाश्रुतव स्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनं नेय देशोपरता देवी माया वैशारदीमतिः सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वयमहि यदि एवं जन्मानि कर्माणि ह्य कर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्या निहृतपतेः सवा इदं विश्वमोह लीलः सिद्धत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्द्रहित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कस्य निपुणे न धातु रवयति जन्तुः कुमनि सौतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभि सत्वं नतो नटचर्यामि वागेह सवेद धातुः पदवीं पद परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे यो माया सन्ततयानुवृत्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् अधेह धन्या भगवन्त इथं यद्वासुदेवैखिलोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूय परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयस यसाय लोकस्य धन्यं स्वस्थेन महद तदिदं ग्राहयामास श्रुतमात्मवदाम्बरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परितं परमर्षिभिः कृष्णोऽशोधामोपगति कृष्णेऽशोधामोपगति धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्गोधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्राविप्रर्षेर्भूरितेजसः अहं चाधिगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वसामि श्यामि यथाधीतं यथा मति श्रीमद्वादि महाप्राणिपारमहंसं संहितायां प्रथमस्कन्धे
शिवायंती जो है श्री हरे नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे विश्वामित्र मेरे देव गोविंद दाम धर्म धवीति अथ चतुर्थो अध्याय व्यासोवाच इति पूर्वाणं संस्तूय मुनीनां धीरसत्रणां वृद्धा कुलपतिः सूतं बह्वी च शौनको ब्रवीत् शौनकोवाच सूतसूत महाभागवदनो वदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यं यदा भवान् सुखः कस्मिन् युगे प्रवृत्ते स्थाने वा केन हेतुना कुतः संशोधित कृष्णकृतवान् समुता मुनिः तस्य पुत्र महायोगी समद्विन् निर्विकल्पकः एकान्तमतिर्निद्रो गूढो मूढ इवे यदे दृष्ट्वा अनुयान्तं ऋषिमात्मदमप्यनग्नं देवो हिया परिदधन् सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुं न तो सुत बीजे विवेक्त दृश्य कथमालक्षिता पौरे संप्राप्त कुरु जांगला उन्मत्त मुख जडवद विचरण गज सा हुए कथम बा पांडवीय राजर्षिर्मुनिना सह संवाद समभूतात यत्र सात्वती श्रुति स गोदो हनुमात्र गृहेशु गृहेधिना अवेक्षते महाभागस्तीर्थि पूर्व सदाश्रम अभिमन्यु सुत सुत प्राहुर्भागवतोत्तम तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृहीणः स सम्राट का सेवा हेतु पाण्डुना मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगाया मनादृत्या धीराट श्रियम नमंती अर्पाद निकेतमात्मन शिवाय हानि यधना शत्रव कथम सुवीर से मंग दुष्ट जाम यु वही सतो स्रष्टु महो मुसा सुवी शिवाय लोक से भवाय उद्भूत ये उत्तम श्लोक परायण जन जीवंतीनात्मा थमसौ पराश्रय मुमोच निर्विद्य कुत कले वरम तत्सर्व न समाचक्ष पृष्ठ यदि किंचन मन ताम विषय वाचम स्नात मन्यत्र छांदसाद सुतवाच द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग परे जात पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे सगदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम सुचि विभुक्त देश आसीन उदिते रविमंडले परावरज्ञ स ऋषि काले न व्यक्तरम हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्त भू युगे युगे भौतिकानं च भावानं शक्ति ह्रासं च तत्कृतम अश्रद्धानानि सत्वान् दुर्मेधान् हर्षिता आयुषः दुर्भगां स जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद् दध्यौ हितम चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम भिक्षे वैदिकम वेद धा देखें संतते वेदमेकम चतुर्वेदम ऋयजु साम अथर्वाख्य वेद चत्वार उदृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते तत्र वेदधर पहिले साम गो जैमिने कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजमा सामुत निष्णातो यजु सामुत अथर्वांगिर साम आसीत सुमंतो दारुण मुने इतिहास पुराणानां पिता मेरुमर्षण तयत ऋषयो वेदम स्वम स्वम व्यसन्न कदा शिष्य प्रशिष्य शिष्यर्वेदास्ते शाखिनो भवन तय वेदा दुर्मेधर धारयन्ते पुरुष यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपणमा सलह स्त्रीसूत्र द्विज बंधूनां त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद् हृदयं ततः नातिप्रसीदत् हृदयः सरस्वत्यास्तटेषु वितर्कयन विविक्तस्त इदं प्रोवाच धर्मविदृतपते न हि मया छन्दांसि गुरवग्नायाः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं च अनुशासनं भर्तव्योपदेशेन ह्याम्नायासश्च दर्शितः दृशते यत् धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरपि तथापि बतमेदैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभो असम्पन्न इवा भाति ब्रह्मवर्च शेषतमः किम्बा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपितः प्रियः परमहंसानं त एव हेतुत प्रियः तस्यैव खिलमात्मानं मन्यमान शखिद्यत कृष्णस्य नारदो भ्यागा दाश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाया गतं मुनिः उदयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितं इति श्रीमद् महापुराणे पारमहंसोपाख्यानं चतुर्दशी हराय नमः भक्तिसुतौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमी करुणा सहसा विराशी श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति अथ पञ्चमोऽध्याय सुतोवाच अनंतम सुखमासीन उपासीन बृहस्रवा देवर्षि प्रा विप्रर्षि वीणा पाणी स्मयमिव नारदवाच पाराशर महाभाग भवतः आत्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस वा जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महदद्भुतं कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वार्थ परिभ्रमितं जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थैव प्रभो व्यासोवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधं पृच्छाम हेत्वात्मभवात्मभूतं सवै भवान् वेद समस्त गुह्य मुपासित हो यत्पुरुष पुराण परावरेशो मनुष्य विष्णु सिद्धत वत्यति गुणैरसंग त्वं पर्यटन नरक इव त्रिलोकी मंत सर्व बायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रत हे स्नातस्य मे न्यून मलम विचक्ष श्री नारदवाच भवतान्वित प्राय यशो भाग भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम
यथा धर्मादयस्तार्थ मुनिवर्यानुकेति न तथा वासुदेवस्य महिमा हेन वर्णित नयद्वतश्चित्रपदं नयद्वतश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणीत कर्चित् तद्वायसं तीर्थं सन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मन्ति शेषयः तद्वा सर्वो जनता घविप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकं बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव नैष्क्रम्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुत पुनः स सदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान् मोघद्रिगे शुचिस्रवः सत्यरत्वधृतव्रतः उरुक्रमश अखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरन् तद्विचेषितं तत्त्वं यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथक् दृश्यस्तत् कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत बाधाहत नौरिवास्पदं जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणवश्यार्हति व्यदितु विभो रनन्तपार्श्वे निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मन स्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्नापकोथ पते ततो यदि यत्र को वा भद्रमभूतमुशकिं को वार्थ आतु भजतां स्वधर्मतः तस्य हेतो प्रयते तत्त्वविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्युयदः तल्लभ्यते दुःखपदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररमसा न वै जनो जातु कथं चनाभ्रगे न मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्ग संसदं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्युपगुहनं पुनर्विहातुमिच्छन्न रसग्रहो यतः इदमि विश्वं भगवतां भगवान्निवेतरो यतो जगत्स्थाननित्तिरो निरोधसम्भवः तदीशोऽयं भेदभवास्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघद्रिग परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायत महानुभावा हृदयोऽधिगण्यताम् इदमि पुंसः तपसः सुखसेवा सुष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अभिचितोऽथः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवमुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशि निर्विवक्ष विवक्षतां ते मय्यप्येदखिल चापलिर्भगे दान्ते धृतक्रीडनके अनुवर्धिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषणे उच्छिष्टल्लेपा नमोदितो द्विजहे सति स्म सकृति स्म भुञ्जे तदपास्तवि किल विषहे एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस यस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते तदानुहं कृष्णकथा प्रजायत मनोग्रहेण श्रमं मनोहरः तः स दयामेनुपदं विष्णुवतः प्रियश्रवस्यं मम भवद्रुचिः तस्मिंस्तदा लब्धर्विचर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् समया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इतं शरद प्राब्रीशिका भृतुहरे रे विष्णुमतो मेनुसवं यशोमलं सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रदत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैव मेनुरक्तस्य पर्षि तस्याहतेन सह सधानस्य बालस्य दान्तस्य अन्तरस्य च ज्ञानं गुह्यतं यतत् साक्षात् भगवतो अधितम् अन्नगोचरं गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः येनैवाहं भगवतु वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्म स्थापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगः सर्वेषां संस्कृति हेतव त एव आत्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे ये तत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छीक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवा यदि मयि प्रतिम्नाय निरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च इति मूर्तिभिधानेन मन्त्रमूर्ति मम ऋतिकं ज्याजते यज्ञपुरुषं ससम्यक् दर्शनः पुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् नवेत्य मदनुषितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यदभ्रश्रुतं विभो समाप्यते येन विदाम्बुभोचितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्जितात्मनां सङ्क्लेशनिर्वाणमुसन्ति नान्यथा त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदाम्बुभोचितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्जितात्मनां सङ्क्लेशनिर्वाणमुसन्ति नान्यथा इति श्रीमदात्मापणाडि पारंशुसंज्ञापथस्कन्दे वैष्णव स्मरे पञ्चमध्याय श्रीहरये नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे विवशानुपमेति देव गोविन्द दामोदरमाधवीति अथ षष्ठोऽध्यायः सुतोवाच एवं निश्चयम भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयत्वा प्रसतं ब्रह्म व्यास सत्यवती सुतः व्यासोवाच
विक्षुभिर्भिप्र वसिते विज्ञानात् दृष्टिभिस्तव वर्तमान उभय स्यादि ततः किं करोति भवान् स्वयंभोगकया प्रीत्या वर्तन्ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षिः काले प्राप्तिकाले वरं प्राकल्प विषयामितं स्मृतिं ते सुरसतम न हेषा व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः नाद उवाच विक्षुभिर्भिप्र वसिते विज्ञानात् दृष्टिभिर्मम वर्तमान उभय स्यादि ततः ये तदकारसौ एकात्मजा मे जननी योशन मूढ़ा च किं करी मयात्मजे न निगत चक्रे स्नेहानुबंधन सासुतंत्र नकल्पासी दुर्गक्षेम ममेक्षति ईश सही बसे लोको योषा दारु मयि यथा अहम च तद्ब्रह्मकुले उशिवांस तदपेक्षया दिग्देश कालादित्पन्नो बालक पंचहायन एकदा निर्गता गेह दुहंतीम निशीगा पथि सर्पो दशपदा स्पृष्ट कृपणा कालचरित तदा तदहमीश भक्तानां समभीप्सत अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम स्वीतांजन परांस्तत्र पुरगाम उपजाकरान खेट खरवट बाटी बनानी को बनानी च चित धातु विचित्राद्रि निभ भग्न भुजद्रुमान जलाशयान शिव जलम नलिनी सुर सेविता चित्र स्वनि पत्र रथर विभ्र मद भ्रमर स्त्रिय नल वेणुरस स्तंभ कुश कीचक गह्वरम एक एवातियातु मद्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयाकार व्यालोलूक शिवाजिम परिश्रांतेन्द्रियात्मा त्रिपरी तो बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम तस्मिन् निर्मनुजैरण्ये पिपलोपस्थ आस्थित आत्मनात्मात्मस्थम यथा श्रुत सचिंतायम ध्यायतस्तरणाम भोजन भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्या श्रुकलाक्षस्य हृदयासीन मे शनिर्हरि प्रेमाति भर निर्भिन्न पूलकांगोति निर्वृत आनंद संप्लवेन लीनो नापश्य मुभयम मुने रूपम भगवत यतन मन कांतम सुचापहम अपश्यन सह श्रोतस्थे वैक्लव्या दुर्मना इव दिदृक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्य मपि तृप्त इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाहा गोचरो गिरां गम्भीरश्वसनया वाचा शुचः प्रशमयन्निव हस्तास्मिन् जन्मनि भवान् भवान् मां द्रष्टुं ह्यार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृ यद्दर्शितं रूप मे तत्कामाय ते नघ मत्कामः शनक हि साधु सर्वान् मुञ्चति हृशयान् सत्सेवया दीर्घ याति जाता मयि दृढामतिः भित्त्वा बद्मिमं लोकं गन्ताम जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्षित प्रजा सर्ग निरोधेऽपि स्मृति समदनो गृहाल एतावदुक्तु परनाम असन्तनमहर हूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शिष्णवनामं विदधे मुखं पितः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गृह्याणि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनं स्तुष्टमना गतस्पिह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतिर्ब्रह्मन् न शक्तस्यामलात्मनः काल प्रादुर्भूत काले तडित शब्दामनीत यथा प्रयोज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनु आरध कर्म निर्माणो न्यपत पांच भौतिक कल्पांत इदमादाय शयाने एम्भ सुदन्मत शिशईशोर अनुप्राण विदेशेन्तरहम विभो सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायदं शिश्रिक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जगिरे अन्तर्बहिष्टलोकास्त्रिं परे मेष्कन्दित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णुरभिघात गतिः क्वचिद् देवदत्ता मीमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूषयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायतः सुवीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातु रचितानां मात्रा स्पर्शे छयामुः भवसि प्रभो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपथे कामलोभ हतो मुहो मुकुन्द सेवया यद्वत्तथा तथात्मार्धा नशामिति सर्वं तदिदमाख्यातं यद्दृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्म रहस्य मे भवता सात्मतोषणं सुत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कृतिं साङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रममं रमयत्यातुरं जगत् अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कृतिं साङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् इति श्रीमद्भागवत महाप्राणिपारमहंस संहितायां तोष्णकन्दे व्यासनाथ समाधि सरस्वत्या श्री हरये नमः भक्तिसिद्धौतरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री रैना देवी माता की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे श्याम राष्ट्रीय पुष्प दिनाथ की जय गुहेश्वरी माता की जय बागमती गंगा की जय मुक्तिनाथ भगवान की जय सालग्राम भगवान की जय श्री कृष्ण की माता की जय ऋणी 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 ऋषिकेश भगवान की जय गायत्री माता की जय 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 श्री राधे श्याम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय भक्तवत्सल भगवान की जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे देवी कृपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातृ जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति पशुवाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणिका तो धन्य सर्वोपकार करणाय सदार्थ चिता सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ सारिगे शरणि त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते शरणागत दीनाथ परित्राण पराणि सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्ते रोगान शिषा नवांसी तुष्टा रुष्टा तो कामन सकला अनभीष्टान त्वामाश्रिता नाम नविपन नाराणाम त्वामाश्रिता ह्या सहता प्रयांति सर्वाबाधा प्रशमन त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य भैरी विनाशनम जय जय देवी जय देवी जय देवी जय मोहिनी रूपे मामिह जननी समुद्र पतितं भवकूपे।